माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से इस वाच तथा वाच परिवर्तन की दुनिया में स्वागत है। इसके पहले मैंने बताया था आपको कि जो बुक में आपके दिया है कर्तृवाच, कर्मवाच, भाववाच, इसी बुक से मैं एक नोट तैयार किया हूँ व्यवस्थित, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसके पहले मैं आपको कर्तृवाच के बारे में बताया था कि कर्तृवाच क्या है। कर्तृवाच का मतलब सीधा होता है जिस वाक्य की क्रिया में परिवर्तन कर्ता के अनुसार हो उसी को हम कर्तृवाच कहते हैं, ठीक है। यानी कर्ता के, कर्ता यदि पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, कर्ता यदि स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, कर्ता यदि बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी, ठीक। ये एग्जाम्पल मैं आपको सारा बताया था। कर्तृवाच में जो वाक्य होता है वो सकर्मक भी होता है और अकर्मक भी होता है। सकर्मक का मतलब जिसमें कर्म हो, अकर्मक का मतलब जिसमें कर्म गायब हो। ये सब मैं बता दिया था, ठीक। इस सब मैं आपको बताया था। यदि कर्ता के साथ ने कारक आए तो कर्तृवाच्य होगा, ने लगा है, ठीक है। परंतु कभी कभी कर्ता के साथ ने विभक्ति गायब होती है, अर्थात छिपी होती है, जैसे यहां देख रहे हैं ने छिपा हुआ है, तो वहां भी कर्तृवाच्य होगा। आज हम बताएंगे कर्मवाच्य की परिभाषा। कर्तृवाच्य में बहुत सारे बच्चों ने बुक से एग्जाम्पल देकर मुझे मेरी पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर चेक भी कराया। आज हम बताएंगे कर्मवाच्य। कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग वचन में परिवर्तन ही कर्मवाच्य कहलाता है। बच्चों ने कंप्लेन किया था, सर थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे, 5-10-6 मिनट का ही वीडियो बना है तो हमें समझने में करने में आसानी है, ठीक है। कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग वचन में परिवर्तन ही कर्मवाच्य कहलाता है, अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जिस वाक्य की क्रिया में परिवर्तन कर्म के अनुसार हो वहां क्या होता है, कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य की तीन महत्वपूर्ण बातें, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें कर्मवाच्य की तीन महत्वपूर्ण बिंदु, पहला कर्म की प्रधानता रहेगी, ठीक है। दूसरा जो क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार ही बदलेगी, अर्थात कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, यदि कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, यदि कर्म एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। मेरी बात समझ में आ गई। दूसरा है कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक होगा। अभी आपने देखा इसके पहले कि कर्तृवाच्य सकर्मक भी होता है और अकर्मक भी, परंतु कर्मवाच्य सकर्मक होगा, उसमें कर्म किसी भी हालत में कर्म का होना जरूरी है, अर्थात अकर्मक वाच्य कभी नहीं होगा। अकर्तृवाच्य में दोनों होता है, राइट। अब यदि दोनों में सकर्मक क्रिया होती है, कर्तृवाच्य में भी कर्मवाच्य में भी, और कर्तृवाच्य में अकर्मक भी हो सकती है, लेकिन कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक हो, तो हम कैसे पकड़ेंगे? यदि कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो रहा है तो कर्मवाच्य है। आइए अब कर्मवाच्य का सूत्र क्या है, सूत्र को जानना जरूरी है, राइट। सूत्र को जानना जरूरी है। जिस वाक्य में कर्ता के साथ कर्मवाच्य में कर्ता रहेगा और कर्ता के तुरंत बाद से आएगा या किए द्वारा, ठीक है, या द्वारा आए, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक आए, क्या कह रहा, कर्ता के साथ इन तीनों में से कोई एक आ जाए, राइट, अर्थात से, के द्वारा या द्वारा, इन तीनों में से कोई एक आएगा और उसके तुरंत बाद क्या आएगा, कर्म। कर्म का होना जरूरी है, कर्म रहेगा, अकर्म के तुरंत बाद मुख्य क्रिया होगी, क्या होगी, मुख्य क्रिया। अब वह मुख्य क्रिया वर्तमान काल में हो सकती है, भविष्य काल में हो सकती है,
भूतकाल में हो सकती है। राइट, बात समझ में आ गई। और उसके बाद जाना क्रिया का रूप, यानी मुख्य क्रिया के बाद जो जाता है आता है ये रहता है, वो क्रिया का रूप काल के अनुसार आएगा। काल का मतलब अगर मुख्य क्रिया में वर्तमान काल है तो जाना क्रिया का रूप भी वर्तमान काल होगा, अगर मुख्य क्रिया भविष्य काल है तो जाना क्रिया का रूप भी भविष्य काल होगा, अगर मुख्य क्रिया भूतकाल है तो जाना क्रिया का रूप भी भूतकाल होगा। और यह मुख्य क्रिया कर्म के अनुसार बदलेगी, ठीक है। कर्म अर्थात कर्म वर्तमान काल है तो मुख्य क्रिया भी वर्तमान काल होगी, कर्म पुल्लिंग है मुख्य क्रिया भी पुल्लिंग, अगर कर्म स्त्रीलिंग है तो मुख्य क्रिया भी स्त्रीलिंग। बात समझ में आ गई। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कर्ता प्लस से या के द्वारा या द्वारा, उसके बाद कर्म, कर्म के बाद तुरंत मुख्य क्रिया, उसके बाद जाना क्रिया का। एक एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। कर्मवाच्य की परिभाषा और उदाहरण, एक एग्जाम्पल देंगे बाकी कल बताएंगे। कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग वचन में परिवर्तन ही कर्मवाच्य कहलाता है, यानी कि कर्म यदि पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, कर्म यदि एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, जाहिर सी बात है। आइए देखते हैं। राम के द्वारा पत्र लिखा गया, सूत्र आपने दिया देखा था, पहले कर्ता आएगा, कर्ता आ गया, कर्ता के तुरंत बाद या तो से आएगा या तो द्वारा या तो के द्वारा, तीनों में से कोई एक आ गया, ठीक है, ये कर्ता की पहचान हो रही। और इसके तुरंत बाद कर्म आएगा, कर्म आ गया, कर्म के तुरंत बाद मुख्य क्रिया आएगी, ये मुख्य क्रिया है और जाना क्रिया का रूप यह है, राइट। आ समझ में आ गई। अब यहां देखिए, एक कर्ता से कोई मतलब नहीं है, कर्ता से बस यही मतलब है कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा से या द्वारा आए। अब यहां कर्म से लेंगे, कर्म का होना जरूरी है, कर्म पुल्लिंग है तो मुख्य क्रिया भी पुल्लिंग होगी, लिखा, कर्म एक वचन है तो लिखा भी एक वचन में होगा, राइट। और यहां देख रहे हैं, जो मुख्य क्रिया है पुल्लिंग है वो इसको भी पुल्लिंग बनाया गया है, और समझ में आ गया। तो राम के द्वारा क्या लिखा गया, पत्र लिखा गया, कर्म का होना जरूरी है, अकर्म के अनुसार ही मुख्य क्रिया बदले, मेरी बात समझ में आ गई। अब इसी तरह एग्जाम्पल आप मुझे अपने बुक में से ढूंढ कर मुझे आप चेक करा, इसके बाद में कल और एग्जाम्पल बताऊंगा, बस इतना ही। पहले जो परिभाषा दिया हूं परिभाषा समझिए, उसके अनुसार जितना भी बुक में एग्जाम्पल दिया है एग्जाम्पल समझने की आप कोशिश कीजिए, और उसके बाद हमसे क्वेश्चन करिए। आप हमारे पढ़ाने से ज्यादा जरूरी है आपका ज्यादा से ज्यादा रुचि लेना, ज्यादा से ज्यादा होमवर्क करना, राइट। बाकी आगे का एग्जाम्पल इसकी बात कल बताते हैं, ठीक है, कल पूरा बताएंगे, पहले आप इतना प्रैक्टिस कर लें। तो हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है, वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।